चैत्र नवरात्र में साधना उपासना को विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि सनातन धर्म के अहम त्योहारों में से एक है जिसका सभी को इंतजार रहता है। इस दौरान ज्यादातर लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन व्रत के दौरान छोटी छोटी गलतियां भी कर बैठते हैं। ऐसी कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिसे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप इस नवरात्रि पर्व पर उपवास रखकर दुर्गा माता को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित मनोज शुक्ला ने इन दिनों क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। नवरात्रि व्रत यदि कोई साधक रख रहे हैं तो अपने इस 9 दिन की साधना उपासना व्रत के दरमियान बहुत सारी चीजों को जो अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। जैसे कि झूठ बोलना, जानबूझ करके ऐसा कोई बात करना जिससे किसी का मन प्रभावित हो, दुखी हो, मांस मटन खाते हो तो वो नहीं करना चाहिए इस नवरात्रि व्रत के दौरान। इन सब का पालन, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को दुख लगे या कष्ट हो। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दोए दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। तो इस नवरात्रि पर्यंत आप यदि किसी साधना उपासना कर रहे हैं तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी का मन जो है प्रभावित हो, दुखी हो। बहुत सारी अच्छाइयां हैं जिसका पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए, कम भोजन करते हुए तथा अपने इष्ट के प्रति सानिध्य रख के नवरात्रि व्रत को करना चाहिए।